की बैठक खत्म हो गई है। कांग्रेस के सभी दिग्गज नेता इस मीटिंग में शामिल हुए और मीटिंग के बाद विधायक देवेंद्र यादव से ये सभी मुलाकात करेंगे, जेल में मिलने जाएंगे। देवेंद्र यादव से मिलने के लिए जेल पहुंचकर देवेंद्र यादव से मुलाकात करेंगे। बलौदाबाजार हिंसा मामले में देवेंद्र यादव गिरफ्तार किए गए हैं, रायपुर सेंट्रल जेल में उन्हें रखा गया है। अब फैसला ये हुआ कि देवेंद्र यादव से मिलने नेता जाएंगे। कांग्रेस विधायक दल की बैठक, विधायक दल की बैठक में यह फैसला। देवेंद्र यादव से मुलाकात कर रहे सभी नेता जाएंगे। सहयोगी ममता इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है, सीधे ममता के पास आपको लिए चलेंगे। ममता, एकजुट दिखाने की कोशिश। ममता, बिल्कुल देखिए, नेता प्रतिपक्ष शरण दास महंत की अध्यक्षता में विधायक दल की बैठक हुई। कांग्रेस विधायक दल की बैठक राजीव भवन में हुई और इसमें न केवल मौजूदा विधायक बल्कि पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री भी जो है वो शामिल हुए। और इस बैठक में के बाद में चरण दास महंत ने कहा है कि हम जो है जो धाराएं लगाई गई है वो गलत धाराएं लगाई गई है, और जो अगर एक विधायक के खिलाफ इस तरह की धाराएं लगाई जा सकती है तो आम आदमी का क्या होगा, इस पर हमने चिंता व्यक्त की है। और सभी विधायक दल देवेंद्र यादव के साथ खड़े हैं, अभी वो सभी के सभी जो है वो जेल मिलने के लिए गए हैं देवेंद्र यादव के साथ में। इसके साथ ही अगर बात करें तो पूरे प्रदेश भर में कांग्रेस प्रोटेस्ट करने वाली है 22 तारीख को, और इसके अलावा ब्लॉक स्तर से लेकर जिले स्तर तक के अलग अलग तरीके से प्रोटेस्ट किया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि समाज के लोगों के बीच में भी जाएंगे और समाज के लोगों के बीच सहयोग लेने की कोशिश की जाएगी। उनका कहना है कि गलत तरीके से जो है वो विधायक को निशाने पे लिया जा रहा है, कांग्रेस के लोगों को टारगेट किया जाता है और इसी के चलते जो है इस तरह की राजनीतिक दुर्भावना बस ये पूरी कार्रवाई की गई है। कांग्रेस का ये भी कहना है कि बीजेपी के तमाम लोग जो है वो खासतौर पर शरण जांगड़े जो है उनका नाम वो ले रहे हैं कि वो भी मौजूद थे, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तोड़फोड़ कुछ और लोगों ने की है, असामाजिक तत्व में शामिल थे और लेकिन कार्रवाई जो है वो देवेंद्र यादव को निशाना बनाया गया और इसी तरह से पूरे कांग्रेस को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। तो फिलहाल जेल गए हैं, जेल से लौट के आने के बाद राज्यपाल को भी ज्ञापन देने की बात कही जा रही है, राज्यपाल से मुलाकात की भी बात कही जा रही है। तो एक बड़ा अपडेट यह है कि कांग्रेस विधायक दल का कहना है कि वो इस मामले में राज्यपाल से भी मुलाकात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद ममता, लेकिन आप हमारे साथ बनी रहे, एक और अहम खबर को लेकर आगे हम आपसे चर्चा करेंगे। सहयोगी ममता विस्तार से जानकारी दे रही थी। और एक और बड़ा अपडेट, विधायक देवेंद्र यादव आज कोर्ट में पेश नहीं होंगे, कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वो अपना पक्ष रखेंगे। रिमांड खत्म होने पर आज उनकी कोर्ट में पेशी होनी थी। बलौदाबाजार हिंसा मामले में आरोपी है और उन्हें गिरफ्तार किया गया है। रिमांड खत्म होने पर पेशी आज होनी थी, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो अपना पक्ष रखेंगे। ममता लगातार हमारे साथ बनी हुई है। ममता, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पक्ष रख रहे हैं, कोई खास वजह? ये बात सही है, हालांकि ये भी देखना दिलचस्प होगा कि आखिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कौन सा मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। धन्यवाद ममता आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अगली बड़ी खबर रायपुर से, लाखों की डकैती का खुलासा हुआ है। तांत्रिक से 14 लाख का कैश और जेवर बरामद किए गए हैं। तांत्रिक ने पति पत्नी के आपसी विवाद का फायदा उठाया, पत्नी और बच्चों मौत का डर दिखाकर पत्नी और बच्चों को नकदी और जेवर लिए। पत्नी ने पति के साथ मिलकर
और सहयोगी तनु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तनु, पूरी जानकारी विस्तार से। चलिए हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। तनु, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो? पूरी जानकारी विस्तार से लाखों की डकैती के मामले में। जी बिल्कुल, देखिए पूरा मामला जो है राजधानी रायपुर के गुढ़ियारी थाना क्षेत्र का है, जहां पर 18 लाख रुपए की डकैती का मामला जो है वो सामने आया था। और जब पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच की तो ये पता चला कि ये खबर जो है पूरी तरह से गलत निकली। और इसमें पति पत्नी के आपसी विवाद का फायदा उठाकर एक तांत्रिक ने महिला से अनुष्ठान के नाम पर 18 लाख रुपए जो है वो मांगे थे। और तांत्रिक ने महिला से ये कहा था कि उसका पति एक बड़ा तांत्रिक अनुष्ठान जो है वो करवा रहा है, उनको मौत का भय देकर उनसे जो है पैसे जो है वो वसूले गए थे। जिसके बाद महिला ने डर की वजह से उस तांत्रिक से, तांत्रिक ने जितने पैसे मांगे वो पैसे उन्होंने उसको दिए, उसके साथ ही नकदी जेवर जो है वो उसको दिए थे। इसके साथ ही जब पति ने रकम के बारे में पत्नी से इस बारे में पूछा तो पत्नी ने उनसे जो है झूठ कहा, जिसके बाद पूरा डकैती का मामला जो है वो सामने आया था। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले में जो है बीते दिनों खुलासा किया है और आरोपी तांत्रिक को भी जो है वो गिरफ्तार जो है वो कर लेगा। और ये पूरा मामला जो है गुढ़ियारी के आदर्श विहार का है। धन्यवाद तनु इस तमाम जानकारी के लिए। और अब रायपुर से बड़ी खबर, बच्चे पर एसिड अटैक की जो रिपोर्ट थी वो झूठी निकली है। गैस चूल्हा जलाते हुए नाबालिग झुलस गया था। माता पिता की फटकार के डर से बचने के लिए उसने ये झूठी कहानी रची। छोटे भाई के साथ मिलकर एसिड अटैक की उसने कहानी बनाई। घायल बालक के छोटे भाई ने जब उससे पूछताछ की गई तब उसने पूरा राज खोला है। डीडी नगर थाना इलाके का ये मामला है। और खबर रायपुर से, आज बीजेपी के सदस्यता अभियान पर मंथन होना है। सदस्यता अभियान पर चर्चा को लेकर आज बड़ी बैठक होनी है। बीजेपी सदस्यता अभियान को लेकर चर्चा करेगी। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह इसमें शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव मौजूद रहेंगे। बैठक में प्रदेश भर से 300 से ज्यादा पदाधिकारी शामिल होंगे। सदस्य बनाने को लेकर टारगेट लक्ष्य तय किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में सदस्यता अभियान की कार्यशाला हुई थी, जिनमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और गृहमंत्री जी थे। अब पूरे देश में सभी राजधानी में अभी सदस्यता अभियान का कार्यशाला आज और कल में संपन्न हो जाएगा। उसके बाद जिले की कार्यशाला होगी। हमका सबका लक्ष्य है कि सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी सदस्यता के अभियान के माध्यम से हर घर तक व्यक्ति पहुँचे, कार्यकर्ता पहुँचे और सभी को सदस्य बनाए। सीधा आकाश के पास आपको लिए चलेंगे। आकाश, क्या कुछ इस बड़ी बैठक का से जुड़ा हुआ अपडेट? सदस्यता अभियान का टारगेट और कैसे उसे पूरा किया जाए? आकाश जी, बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में भी सदस्यता अभियान शुरू होना है। इसको लेकर बड़ी बैठक जो है वो भाजपा कार्यालय में शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मौजूद हैं, इसके साथ ही राष्ट्रीय महासचिव भाजपा के अरुण सिंह मौजूद है, संगठन के तमाम लोग जो है मौजूद है। बैठक में यही मंथन हो रहा है किस तरीके से छत्तीसगढ़ में सदस्यता अभियान चलाना है, क्योंकि इससे पहले ही जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर बैठक हुई थी और सभी राज्यों को जो है वो निर्देश दिए गए थे कि सभी राज्यों में सदस्यता अभियान चलाना है। जो सदस्य बने हुए उसे 20% ज़्यादा सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है और इसको जिले और मंडल स्तर पर किस तरीके से उतारना है इसको लेकर मंथन चल रहा है। सभी को निर्देश दिए जा रहे हैं कि जमीनी स्तर पर जो है मंडल स्तर पर किस तरीके से सदस्य बढ़ाने को लेकर है ये। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत तमाम संगठन के लोग मौजूद है। बता दें कि पूरे देश भर में 10 करोड़ से ज़्यादा सदस्य बनाने हैं, ऐसे में छत्तीसगढ़ में भी बड़ा लक्ष्य मिल सकता है। बैठक के बाद ये साफ हो पाएगा कि छत्तीसगढ़ में आखिर कितने सदस्य बढ़ाने का लक्ष्य मिलेगा। जी चलिए, बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी आकाश विस्तार से जानकारी दे रहे थे। इधर छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, सभी आरोपियों की जो याचिकाएं थी वो हाईकोर्ट ने खारिज कर दी हैं। डिवीजन बेंच ने अपना फैसला सुना दिया है। पूर्व IAS अनिल टुटेजा, अरुणपति त्रिपाठी, अनवर ढेबर, विधु गुप्ता
ऐसे जो तमाम आरोपी हैं उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। सभी ने एसीबी और ईओडब्ल्यू की एफआईआर को चुनौती दी थी, एफआईआर रद्द करने की मांग की गई थी, लेकिन ये खारिज कर दी गई। तो ये जो तमाम आरोपी हैं इसमें पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा, अरुणपति त्रिपाठी, अनवर ढेबर, विधु गुप्ता, ऐसे तमाम जो आरोपी हैं उनकी उनकी तरफ से याचिकाएं लगाई गई थी। उमेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उमेश के पास आपको लिए चलेंगे। उमेश, हाईकोर्ट से बड़ा झटका। बिल्कुल ललित जी, देखिए छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार थी उस दौरान यहाँ पर बड़े पैमाने पर शराब घोटाले का मामला निकल कर सामने आया था, और जैसे ही सरकार भारतीय जनता पार्टी की आई तो यहाँ पर लगातार घोटालों पर कार्रवाई करते हुए नजर आई। इसी कड़ी पर एसीबी और ईओडब्ल्यू ने भी कार्रवाई करते हुए जो पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा, उनके पुत्र यश टुटेजा, इसके साथ ही एपी त्रिपाठी जो आबकारी आयुक्त थे, अनवर ढेबर, विधु गुप्ता, इन पर एफआईआर दर्ज की, और ये सभी इन एफआईआर को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में अपनी याचिका दायर की थी, जिस पर 10 जुलाई को इस पूरे मामले की सुनवाई होने के बाद, दोनों पक्षों के सुनवाई होने के बाद इस पूरे फैसले को सुरक्षित रखा गया था। आज इस पूरे फैसले पर जो है फैसला आया है, और उसमें साफ तौर पर बड़ा झटका जो है अनिल टुटेजा और अन्य जो आरोपी है शराब घोटाले में उनको लगा है, कहीं ना कहीं ये जो याचिका खारिज हुई है उनकी अब ये मुश्किलें जो है आने वाले समय में बढ़ने वाली है। फिलहाल ये देखना होगा कि अब चूंकि अनिल टुटेजा जो अन्य आरोपी है वो किस तरीके से इस पूरे मामले पर आगे जाते हैं, लेकिन ये जरूर है कि इस फैसले के बाद से इनको बड़ा झटका लगा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी उमेश विस्तार से जानकारी दे रहे थे। और अब चिरमिरी से बड़ी खबर, 3 गाड़ियों में लदा राशन का चावल बरामद किया गया है। राशन की दुकान का चावल और चना बरामद हुआ है। पुलिस, तहसीलदार और खाद्य विभाग के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। चिरमिरी नगर निगम इलाके के डोमन हिल नेहरू कॉलोनी का ये पूरा मामला है। राशन का चावल कहीं पर गाड़ी के साथ कुछ लोगों ने पकड़ा है उसे, तो ये प्रशासन, फूड, पुलिस तीनों की टीमें आई हुई हैं, जांच कर चल रही है। 3 गाड़ियों में चावल मिला हुआ है, कुछ चना मिला हुआ है, तो जांच चल रही है, जांच के बाद हम प्रगति बता पाएंगे। लगभग कितना चावल और चना होगा? अभी हमें काउंटिंग बची हुई है, तो काउंटिंग करने के बाद, हाँ 3 व्हीकल्स हैं, 3 छोटा हाथी है, उसमें चावल भरे हुए हैं, कुछ चने की बोरियाँ हैं, तो हम काउंटिंग करने के बाद आपको सही रिपोर्ट। और जशपुर में हुआ है सड़क हादसा, सड़क दुर्घटना में स्कूटी चालक की मौत हो गई है। स्कूटी के सामने अचानक से जानवर आया, इसके चलते हादसा हुआ। हादसे के बाद कई घंटों तक सड़क पर मृतक पड़ा रहा, अस्पताल में ताला लटका हुआ था, सभी कर्मचारी त्योहार मना रहे थे। मृतक के परिजनों में इस बात को लेकर नाराजगी भी है। छत्तीसगढ़ में डॉक्टर्स के प्रदर्शन की केंद्रीय गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट मांगी है। कोलकाता में डॉक्टर से रेप और हत्या के बाद छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश में डॉक्टर्स का प्रदर्शन जारी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हर 2 घंटे की रिपोर्ट तलब की है। छत्तीसगढ़ के साथ साथ सभी राज्यों को निर्देश दिए गए हैं। गृह विभाग अलर्ट मोड पर है।